हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा? क्लासिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, तो अब हमको क्वेश्चन दिए गए हैं, मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वो कौन सा मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम इसका ऑर्डर निकाल लेंगे। क्या ऑर्डर है? नंबर ऑफ़ रोज़ इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑर्डर होता है। नंबर ऑफ़ रोज़ आर टू एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर आल्सो टू, सो दिस इज़ 2x2 मैट्रिक्स, सो इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों है स्क्वायर मैट्रिक्स? कौन सा तो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स? तो ये है 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्डर निकालेंगे इसका। क्या है? नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 1, 2 एंड 3 कॉलम्स। तो इसमें हमारे पास 1 रो है। हमारे पास 1 रो किस में होती है? रो मैट्रिक्स में, सो इट इज़ अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1x3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स है, ऑर्डर निकालते हैं। नंबर ऑफ रोज आर 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 1। तो इसमें 1 कॉलम है, जिसमें 1 कॉलम होती है वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? कॉलम मैट्रिक्स। तो ये आपका है कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्डर निकालेंगे इसका। नंबर ऑफ रोज आर 3 रोज, नंबर ऑफ कॉलम 2 कॉलम्स, देन इट इज़ अ मैट्रिक ऑफ 3x2 ऑर्डर मैट्रिक्स। इसमें कितने रोज हैं? 1, 2, 2 रोज, 1, 2, 3, 3 कॉलम्स, देन इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ 2x3 ऑर्डर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें सारे एलिमेंट्स हमारे क्या हैं? 0 हैं, देन इट इज़ अ 0 मैट्रिक्स। जिसमें सारे एलिमेंट 0 होते हैं वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? 0 मैट्रिक्स। ये हमारे थे मैट्रिक्स जिसमें हमको क्लासिफाई करना था कौन से मैट्रिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 4 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस में सॉल्व किया था कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 4 हैं। इसका हमें ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर किस फॉर्म में होता है? m/n की। एंड एलिमेंट्स भी हमारे m×n में निकलते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। टू फैक्टर्स जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आना चाहिए? 4। तो क्या हो सकता है? 1/4, 4/1, और क्या हो सकता है? 2/2। तो ये हमारे पास क्या आ गए? ऑर्डर्स आ गए। ये हमारा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट क्या है? इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। क्या है हमारे पास? एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं, एंड अब हमें क्या निकालना है? पॉसिबल ऑर्डर्स। m/n की फॉर्म में होते हैं ऑर्डर्स। एलिमेंट्स भी हमारे कैसे निकलते हैं? m×n करके। तो हम इसके क्या करेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए। 2 फैक्टर होने चाहिए, 1/8, 8/1, और क्या होगा? 2/4, 4/2, और कोई होता है? नहीं। तो ये हमारे क्या आ गए? पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए, जिसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 8 एलिमेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स ए आई जे आर गिवन बाय। फर्स्ट पार्ट है इसका, ए आई जे इज इक्वल टू
2i माइनस j, ये इक्वेशन हमें दी गई है। हमें क्या करना है, 2x2 मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि जिसमें 2 रोज हो एंड 2 कॉलम्स हो, राइट। एंड क्या क्वेश्चन है, ए आई जे दे रखे हैं। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हमारे फिर कितने निकलेंगे, 2 × 2 करेंगे, 4 एलिमेंट्स निकलते हैं, a12, a21 एंड a22, ये हमारे 4 एलिमेंट्स निकलेंगे, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम का, ओके। ये 4 एलिमेंट्स हमारे निकलेंगे। अब 4 एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे, जो ये रो और कॉलम है उसको इस इक्वेशन में पुट करना है, आई जे को 2 × 1 माइनस 1, क्या आता है हमारा, 2 − 1 इज 1, 2 × 1 माइनस 2 इज 0, 2 × 2 माइनस 1 इज 3 एंड 2 × 2 माइनस 2 इज 2। ये हमारे क्या आ गए हैं, एलिमेंट्स आ गए हैं। अब इन एलिमेंट्स को हम मैट्रिक्स में पुट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का क्या है, 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 0, देन 3 एंड 2, ये हमारा आ गया मैट्रिक्स ऑफ 2x2 फॉर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमें ये इक्वेशन दे रखी थी, यहाँ पे क्या है, i × j एलिमेंट्स निकालने के लिए, a11, a12, a21 एंड a22, ये एलिमेंट्स निकालेंगे हम इसमें भी, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है, यानी 4 एलिमेंट्स, 2, 3, 4। अब इसमें क्या है, i एंड j को हम मल्टीप्लाई करेंगे, रो एंड कॉलम शुड बी मल्टीप्लाइड, तो हमारे एलिमेंट्स आ गए 1, 2 एंड 2 एंड 4, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन 4। व्हाट इज क्वेश्चन 4, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ 2 मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है, इक्वल मैट्रिसेस हैं, दैट मींस इनका ऑर्डर सेम होगा, चेक कर लेते हैं हम। ऑर्डर क्या है, 1 रो सेकंड रो दैट इज 2 रोज एंड 1 कॉलम, इसका भी क्या है, 2 रोज 1 कॉलम, यस दे आर सेम ऑर्डर। अब क्या होता है, इक्वल मैट्रिसेस में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमने इक्वल पुट कर दिए, तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास, इक्वेशन 1 एंड 2, इससे हम इक्वेशन से फाइंड करेंगे एक्स एंड वाई की वैल्यू। वाई आप देख रहे हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 4x इक्वल टू 10, देख रहे हैं, प्लस 2y माइनस 2y है, माइनस करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगी, प्लस करेंगे इनको तो, एंड ये क्या आ जाएगा, 7x = 14। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 14/7, डेट इज x = 2। x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, 2 है, तो इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड में, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं 2, x की क्या वैल्यू है, 2 + y = 5, y = ये क्या वैल्यू है, 4, 1, आपके पास y की वैल्यू भी 1 आ गई है। तो आप चाहें तो इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं अपने मैट्रिक्स में, तो आप पुट करेंगे तो आपके पास इक्वल मैट्रिसेस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 5 पे। व्हाट इज क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 मैट्रिसेस गिवन हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं, दैट मीन्स सेम ऑर्डर के होंगे, किस ऑर्डर के हैं, 2x2 के, 2 रोज 2 कॉलम्स, यस दे आर सेम। अब हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू। 2 इक्वेशन हमारे पास गिवन है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे
इक्वल होते हैं। चलो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल रख लेते हैं। थ्री इज इक्वल टू थ्री, वाई की आपके पास वैल्यू आ गई है माइनस टू। हमें चाहिए नहीं थी, लेकिन हम चाहें तो वाई जो वैल्यू आई है वो इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रख सकते हैं। चलिए हम वाई की वैल्यू इक्वेशन वन में रख लेते हैं। थ्री एक्स प्लस वाई है, माइनस वैल्यू रखेंगे तो माइनस टू हो जाएगा वन। क्या वैल्यू आएगी, इधर चला गया ये वन। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है वन। तो हमारे क्वेश्चंस थे, फाइव क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट फाइव क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।